सब का इत्थे आउण ते बहुत बहुत धन्नवाद जी। अज बहुत ही इंपोर्टेंट इशू नू लैके मैं थोड़े कोल थोड़े सामने आया। पंजाब दे जो लॉ एंड ऑर्डर दे हालात है इस नू तुसी मेरे तो बेहतर जानदे हो, और जिस तरीके नाल पंजाब दे माहौल नू खराब किया जा रहा है, जिहड़ी हिंदू सिख भाईचारिक सांझ है, बॉर्डर स्टेट की सिक्योरिटी है, उहदे वास्ते भी असी सारे चिंतित हाँ। और सरकार दा इहदे च जिहड़ा दोहरे मापदंड ने, इच जो सरकार की भूमिका, और स्पैशली मैं कह सकता भगवंत मान चीफ मिनिस्टर साहब की, इनू तो जिन्ने सख्त लफ्जा नाल भी कंडेम कर दिए तो मैं समझ दूंगा कि छोटी रह जाती। केजरीवाल साहब का इत्थे फिरना इलेक्शन तो पहला और बाद च बोलना तक नहीं, सरेंडर कर जाना हो जिया फोर्सेज अगे जो खराब कर रही हालात, उसनू भी मैं कंडेम कर दा। मगर अज मैं थोड़े कोल आया क्यों हाँ, वेखो इत्थे हर चीज़ नू ना जी एक दो चार बंदे ने सिर्फ ते सिर्फ या कह लो दस होने जिन्ह ने हर गल नू हिंदू वर्स सिख बनाया होया, और जिन्हों मतलब उन्होंने तैया कर लिया एक पोलराइजेशन का कि पंजाब च पोलराइजेशन करनी है, और उहदा पता नहीं लाभ किने लेना है। मगर इस गल की कोई इनक्वायरी नहीं है, उन्होंने चुप कराने लई कोई कीता नहीं जा रहा। श्रोमणी अकाली दल असी सारे भाईचारिक सांझ लई अमन शांति वास्ते कानून की बहाली वास्ते असी कमिटेड, और असी अज जे थोड़े कोल आए हैं मन बना के आए हैं कि उहदे वास्ते जिड्डी वड्डी कुर्बानी देनी पवे असी देने लई तैयार हाँ। मगर कुछ लोगों नू सरकार की चुप्पी और कुछ लोगों नू उहदा फायदा नहीं उठाण देवांगे। मैं थोनू पहले दिन भी कहा सी कि जिस हल्के तो मैं इलेक्शन लड़ के आया ईस्ट हल्के चो, उतों ये सूरी सा ये सूरी संबंधित सी, मैं ये घर नहीं गया, मैं इस तो वोटा नहीं मंगिया, क्यों नहीं तो वोटा एक यह जी चीज़ है हर बंदा जाता, क्यों क्योंकि मैं उदी सोच नाल उदी शब्दावली नाल उदी जो गंदी खेड वो खेडता सी मैं उहदे नाल सहमत नहीं सी। और मैनू बड़िया के फोन आए साढ़े हिंदू भरावां दे, उन्होंने भी मैनू कहा कि यह गल तो असी भी सहमत हाँ कि कुछ इनू हिंदू सिख रंगत दे रहे, हिंदू सिख मामला नहीं, इस बंदे नाल असी भी नहीं सहमत। मगर मेरे वीरों हो की रहा कि कुछ एह जे लोग या एक जेड़ा एक होर है उहदा तां मैं नौक ही लैणा, मैं आप दे विचार पहला रख चुके हैं कि जिन्हें डुप्लीकेट रहना उन्हें नकली ने नकली रहना। मगर इस तरह एक होर गुरदासपुर का जब असी बयान देते अकाल तख्त साहब के जहेदार साहब बोले मुड़ के उहदी अरैसट हुई, जिहड़ा कहिंदा जी जे नहाबाज आए तो फिर श्री अकाल तख्त साहब श्री हरिमंदर साहब से अटैक, मजाक है जी, जे चीफ मिनिस्टर साइलेंट कोई जवाबदेही नहीं। अज भी की होया है, मैं इस गल ते थोड़े नूं नहीं संबोधन होना चाहुंदा सी, मगर फिर मेरे अंदर दी आवाज मैनू कहिंदी कि यार देश च इक कानून है, और कानून है सब लई बराबर, कानून ये नहीं वेखदा कि तुसी किहड़े धर्म नाल संबंधित हो, तुसी किहड़े जात नाल संबंधित हो, तुसी किस फिरके नूं बिलोंग करदे। कानून इज फॉर एवरीबडी, ये नहीं कि कोई तोड़ दूगा तो उहदे लई कानून नहीं लागू होना। हुण वेखो संदीप सिंह दे इह ब्रदर ने मनदीप हुरी, मनदीप ते हरदीप सों बैठा है, और ये वकील साहब बैठे। हुण तुसी एक गल नूं समझो कि मैं जिहड़ी गल ते बार बार तवज्जो दे रहा हिंदू सिख एकता, इन्हां नूं रिप्रजेंट कौन कर रहा है? जिहड़े इन्हां नूं रिप्रजेंट वकील साहब कर रहे हैं उन्हां दी मैं तुहानूं एक लिस्ट पढ़दा कि तुहानूं गल दी समझ आवे कि वह वकील साहब भी वह लोग ने जिहड़े किड्डे चिंतित ने भाईचारिक सांझ, जिहड़े चाहुंदे नहीं माड़े हालात मुड़न। इहदे च सियालका जी साढ़े
सौरभ चंगोत्रा जी, रोहित शर्मा जी, रमन शर्मा जी, धीरज सोढ़ी साहब, सुखराज सिंह मान जी, गुरप्रीत सिंह बासरके, सुरिंदर मोहन शर्मा, जेड़े वकील संदीप नू रेप्रजेंट कर रहे हैं वो हिंदू भाईचारे नाल सिख भाईचारे नाल संबंधित, क्योंकि वो भी इस पंजाब की धरती लई उन्हां दा भी दिल धड़कदा है, वो भी चिंतित ने कि सच की गल होवे झूठा काम ना चले। उस दिन इंसीडेंट होया और अज जिहड़ी गल तो असी कमिश्नर साहब कोल भी गए, इन्हां दा परिवार गया, मगर अज तक इंसाफ नहीं, इसलिए मैं थोड़े कोल आया। कमिश्नर साहब नवे आ गए हैं, उन्हां तो आस रखदे हैं कि सच्चाई दा हुण गल होगी। संदीप ते परचा दर्ज हो गया, संदीप दा पुलिस ने रिमांड भी लै लिया, संदीप अंदर है, उहदा फैसला हुण कोर्ट करू। मगर जिहड़े दूजे लोग सन, जिहड़े कुछ इहो जिहे लोग सी जिहड़े उत्थे शरारत करदे सी, जिन्हां ने दुकानां भन्नियां, दुकान नूं अग लाई, माड़ी शब्दावली वरती, कि कानून उन्हां लई वक्खरा, फिर कि तुसी विल यू लेट दैम गो स्कॉट फ्री, कि फिर दोहरे कानून चल पे देश च। इस गल की मैनू चिंता, और मैं चुप तो इसलिए सी कि चलो गिव द पुलिस टाइम, मगर अज मैं इसलिए आया थोड़े कोल, जे किसी नू तुसी गनमैन सिक्योरिटी दे रहे, हाँ किसी नू खतरा दिओ, तो जिन्हां दी दुकान साड़ी गई है कि उन्हां नू सिक्योरिटी की लोड़ नहीं, जिहड़ा मर्जी आऊगा दगड़ दगड़ करके इन्हां दे कारोबार मार दूगा, क्योंकि ये परिवार का पिछोकड़ तुहानू संभलना बड़ा जरूरी। तुसी एक फिल्म चलाती कि जी सनी दी, तुसी फिल्म विखा रहे सी बार बार, मैं थोनू एक गल दसदा, जो मैं आ मनदीप उन्हां दा ब्रदर बैठा, वो हरदीप छोटा बैठा, तो सनी सब तो छोटा सी, मैं जो आप दी इन्वेस्टिगेशन कीती आ और जो मैं वकील साहब नू पुछया, इन्हां दा कोई पछोकड़ नहीं अपराधक, ये थोड़े वांगू मेहनत करके आप दे परिवार सांभण वाले जी ने, कोई पिछोकड़ नहीं, देर इज नो हिस्टरी, देर इज नो केस, देर इज नो क्रिमिनल केस, बड़े शांतमई सुभा दे इन्हां दे मापे मेहनत करके आपकी रोजमर्रा की जिंदगी बतीत कर रहे हैं, लाइक एट एनी ऑर्डनरी सिटीजन। और तुसी वेखो उस दिन दुकान की दी साड़ती आ मेरे वीर हरदीप की, मैं उदा उदो ले आए हो जी, वो लियाओ कागज कटो ये फोल्डर पे लै गए, हरदीप दी जेड़ी दुकान साड़ी गई है, वो दुकान की दी है, वो हरदीप दी है, इन्हें आप दी पुलिस को जाके गल रखी कि मेरी दुकान का दिली साड़ती अंदर कमरे च, मगर कोई इंसाफ नहीं। और ये एप्लीकेशन दिती है, ये केड़ी तरीक दी है जी? 10 तरीक दी, दोहरे मापदंड दी जेड़ी मैं गल कर रहा, कि किसे कोल ये अधिकार है, थोड़ा कैमरा भी कोई भन देना उत्ते कार्रवाई हो जाती है, हो जाती कि नहीं हो जाती, तो इन्हों का करोड़ों रुपये का नुकसान करता, जिहड़ा बेचारा मेहनत करके आपके परिवार की सांभ संभाल कर रहा सी, इहदा बेचारे का की कसूर है जी? और पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? पुलिस आप मैनू लगता है इहनू गलत रंगत देना चाहती है, मैं तो ये कहूँगा, मैं मजबूर हाँ गल कहने, मैं मनदा नहीं, मगर मैं मजबूर हो रहा अज कि भाई तुसी यू कैन नॉट गो बाय द कलर ऑफ द स्किन, यू कैन नॉट लुक एट द परसन आइडेंटिटी कि ये किहड़े धर्म नाल संबंध है, फॉलो द लॉ, कानून नू लागू करो, डोंट फोर्स पोलिटिकल पार्टीज कि सानू आके प्रेस नू संबोधन होना पवे, फिर कोई सानू कहूगा जी तो होर रंगत दे रहे हैं, मगर मजबूर कौन कर रहा? सरकार, जे सरकार आपकी कार्रवाई कर देते होंगी नहीं, मैं थोड़े लिए यह लियाया रेंट डीड है जी, की है रेंट डीड, नॉट विद सनी, इट्स विद हरदीप सिंह, थले उदे साइन होए हुए है टू प्रूव, और हरदीप सिंह की दरखास्त है कि मेरी दुकान साड़ती गई तो उन्होंने गनमैन देते गए, कार्रवाई क्यों नहीं? कोई स्पैशल प्रोविजनस ने भगवंत मान जी, केड़ियां स्पैशल प्रोविजनस ने कि तुसी किसी नू अलाओ कर दो लूट आर्सनल
जो मर्जी करन। हुण मैं तुहानूं एक वीडियो विखाउण लग्गिआ, आ वीडियो ध्यान नाल वेख्यो ते फिर मैं उहदे बारे तुहाडे कोल जिक्र करूंगा। आ वीडियो है जी सीसीटीवी, इहदे च इक आ सौरव सेठिया आ दुकाना भन रहा, वीडियो रिकॉर्डिंग है जी, दुकान भन दे दी। फिर एक आ गया मनीष कपूर, ओदी फोटो आ गई दुकान भनदिया दी। फिर एक आ जिहड़ा राहुल है जिन्हें फिर बड़ी गलत शब्दावली वरती, वो की कर रहा है, तेल कढ रहा मोटरसाइकिल चो, अग ला रहा, रिकॉर्डिंग है सामने, पेट्रोल कढ़ता होया आ दिखा रहे, उन्हें पेट्रोल कढ रहा, हुण उन्हें अग लाउणी है। अगला आ गया जी, आ हुण कढ के लिया है ते आपदा काम ये कर रहा है जी। अगला इहदे चो आ वीडियो रुक गई यार, आ मैं थानू आ फोटोग्राफ्स ने जी, वीडियो एविडेंस, फोटोग्राफिक एविडेंस, आ बंदे ने गोली मारती सूरी नूं, मैं कहा हुणे दुकान ते गए अपना घरों आए माल लैके अपना दुकान ते बैठे, उन्होंने कितों गोली चला दी, मैं कहा इहो जिहा काम कर ही नहीं सकते। कहिंदा इन्नी गल दे विच कहिंदा ते दस उहदे दिमाग च की चल पिया, मैं कहा भाजी उह काम कार करदे आ दिमाग दे विच की चलना उहनां दे, बस इन्ना ही कुट्ट लापे। कहिंदा मैं तैनूं गोली मार देनी आ जे तूं मैनूं कुछ ना दस्सिया, इट फड़ के मेरे सिर तक भी मारन की कोशिश की, काफ़ी ज़्यादा मैंने कुटिया, बाद चो तेल भी मैंने कहना तेन मैं अग ला देनी, तू दस दे नहीं दस नहीं कुछ दसेंगा भी, इन्नी देर च ही मैं छड़ के बाद चो अंदर सारा ज़्यादा। हुण पुलिस कोल सारी चीज़ां ने, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं ये कार्रवाई हो रही है इस तरह कि मैनू कानून दस दिन, कॉन्स्टिट्यूशन च संविधान च कहड़ा कानून है जिहदे तहत कार्रवाई नहीं हो रही, किनू अलाउड है ये, वह कानून आपके हाथ च लवे। मैनू इस गल का रंज है, मैं चाहूँगा कि दो मिनट मनदीप सौ आपके परिवार का पिछोकड़ परिवार की जो जिंदगी किवें बतीत करते, थोड़े समझ आ जाए कि भाई आ वस लैण दिओ पंजाब नू, वस लैण दिओ। जिहड़े शरारती ने उन्हां दे खिलाफ़ कार्रवाई करो, उन्हां खिलाफ़ तो कार्रवाई कोई नहीं। बोलो मनदीप जी। मनदीप जी बोलो जी। सत श्री अकाल जी। सर मेरा नाम मनदीप सिंह है जी, मेरा नाम मनदीप सिंह है जी, तो दुकान लालन सोड़ से ही कारोबार करते हैं, तो संदीप सिंह मेरा सब तो छोटा ब्रदर है, तो रोजाना ही तरह जिस तरह दुकान पर जाता दुकान पर जा रहा, तो सानू तो पता भी नहीं की होया की नहीं होया, तो सानू तो स्टाफ का फोन आया कि भाजी अस क्या बार हजूम का हजूम ही आ रहा साड़ी दुकान वाल, तो दुकान तोड़ते पे तो मैं मारते कुटते पे है, तो दिक्कत बड़ी आ रही, तुम जल्दी आओ दुकान पर। मैं चल ठीक है बेटा, मैं आ रहा, वेट कर, मैं तेरे को आ रहा, मैं प्रशासन को पहला फोन करके फिर मैं तेरे को आवागा। चलो सानू तो पता ही नहीं की गल हुई की नहीं हुई, तो उस तो बाद जो हिंदू सिख का यह मैटर बनाते पे है, देखो बहुत ज़्यादा गलत मैटर बनाते पे है, साड़ी दुकान पर 80% जो कस्टमर है हिंदू कस्टमर है, तो 20% कस्टमर है सिख कस्टमर है, तो यह तो मैटर कभी भी इन्होंने बनाने चाहिए हिंदू सिख वारसी, इदा तो कभी कुछ भी नहीं है। जबकि संदीप जो तीन मुलाकात कर जाने अंदर, सॉरी इतने जो कचहरी से पेश कर जाते हैं, तो उदो संदीप सिंह का एको मैसेज आता है कि हिंदू सिख का मैटर कभी भी ना बनाओ, हिंदू सिख भी साढ़े सारे भरा है, कभी यह चीज़ सोचो ही ना कभी मन के, तो ना मेरे मन च कभी यह चीज़ हैगी है। सन्नी कदों घरों जा रहा, कदों दुकान ते जा रहा, कदों ट्रांसपोर्ट तो माल लिता, एक चीज साडे कोल रिकॉर्डिंग हैगी जी उन्हां चीजां दी। मंग तो इसी कहने प्रशासन जरा कि सही तरह कार्रवाई करे, एक पक्ष की कार्रवाई कभी ना करे, दोनों की सुने, दोनों की कार्रवाई करनी चाहिए जी, सही तरीके कार्रवाई करे। जो बढ़ते गिल्टी ने जिन्होंने जिस तरीके का कानून तोड़िया, उन्होंने भाई चेहरे मोहरे तो पछाण ना हो, जातां पातां नाल धर्म नाल पछाण ना हो, कानून लागू हो, कानून लॉ इज़ वन फॉर ऑल, चाहे मंत्री चाहे संतरी।
चाहे प्रधानमंत्री चाहे अखीरला बंदा लाइन ते खलोता उसनू लागू करो। ये जेडे ये पहली बारी पंजाब च वेख रहे हैं कानून दो तरीके नाल लागू हो रहा। इन्हां नू रोज कोई ना कोई थ्रैट आउंदी है। इन्हां नू मैं क्या कल इन्हां दे परिवार चो किसी नू कुछ हो जाए तो फिर ये मसला किधर नू जाऊगा? फिर हिंदू सिख लो तुसी क्यों नहीं इन्हां नू भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते? जे दूजियां नू करती भाई इन्हां नू भी कर दो, मैं तो नहीं कहिंदा ना करो। नोबडी इज जस्टिफाइंग वायलेंस, मगर वायलेंस दे असी जिथे खिलाफ आ उत्थे भाईचारक सांझ दे भी हक च आ। ये जिहड़ियां रंगत देण जा रही आ पंजाब नू अग लाउण तों ते सरकार चुप बैठी है। पोलराइजेशन की बड़ी खतरनाक पॉलिटिक्स चल रही है और पुलिस तो असी आस रखते हैं। मैं नवे कमिश्नर साहब बारे हले कोई टिप्पणी नहीं करता क्योंकि मैं हले भी आस मानता उन्हां तों, मगर की उन्हां नू भगवंत मान रोक रहा? सरकार नू पता नहीं की हो गया? जे सरकार नू पता नहीं फिर तो सुते पए आ, फिर तो ब्रिजर वाली गल ही है। अच्छा इन्ना कुछ होने तो बाद भी शिवसेना आगू या कोई भी हिंदू आगू है वो उस तरीके भाषा बोलते हूँ थोड़ी जी बंदिश जरूर लगा दी गई है जेकर जो गुरदासपुर वाला उत्ते भी कार्रवाई उदो हुई जो वक् वक् जगह तो मंग पत्र गए। सर मैं एक गल स्पष्ट दसा जी, जेड़ा कोई माड़ा बोलता उन्हें कोई सिक्योरिटी ना दो, भुगत लैन दौ। फिर आप ये नहीं तरीका चलना, एक तो कई ने तो सिक्योरिटी लैन का तरीका बना लिया, तो फिर नहीं नहीं होना चाहिए, रिलाइज करना चाहिए प्रशासन कौन की कर रहा। जिन्होंने अग लाई तोड़फोड़ किया जिन्होंने कानून आपके हाथ च लिया बनती कार्रवाई जरूर हो और धर्म निरपक्ष रखो जिहड़ा कानून है संविधान लागू रखो। कानून तो एक ही है ना, और गुरसिख जिहड़ी गल मैं इन्हां दी गल कीती जिहड़ी गल ते मैं हमेशा जोर दिना कि इन्हां दी सांझ इन्हां दा पिछोकड़ कोई क्रिमिनल नहीं। सरबत दा भला गुरु दा सिख मंगदा ते मंगदा रहूगा, हिंदू सिख एकता भाईचारक सांझ पीस ओनू जिहड़े डिस्टर्ब कर रहे हो ते जो एक्शन बनता करो। मैनू तो फिक्र हुंदा जद मैं कुछ वेखदा कि इहदा एंड रिजल्ट की आ, पंजाब दा भला, पंजाब दी तरक्की कि खून खराबा कि बेविश्वासी। सर मैं ये साढ़े देखो मैं बिल्कुल पिछे रहा इस काम तो, मैं पोलिटिकल नहीं बनाना चाहता इस गल क्योंकि बोलन तो पहला मैं भी सारी गल समझना चाहता सी। और हाँ मैं इस गल का मदई जरूर हाँ कि जे किसी नाल बेइंसाफी है तो मैं वो जरूर खलोऊंगा। नकली ने नकली रहना इशारा अमृतपाल वाले यार थोनू तो हाले ना समझ आए तो हूँ कौन समझावे? चौथा पावा तुसी भी है। चलो तुसी मैं एक मैं गल ना आपकी गल फिर दोहरा दिया, देखो मैं तो दोहराने लग्या मैनू तो समझ नहीं आती। एक पासे ये कहिंदे जी असीं वारिस पंजाब दे, वारिस पंजाब दे तो आप सारे ही हाँ, 3 करोड़ पंजाबी वारिस पंजाब का, किसे किसे स्टिकर लाए ना चेपी लाए ना नहीं किसी ने बन जाना, ये भुलेखे ने आपदे कढ़ दिओ दिमाग चो। और भाई हर गल नू हिंदू सिख रंग ना दिओ, मेरी किहड़ी गल दा गुस्सा कर गए? मैं तो यह कहा कि जे अमृत छकाओगे स्वागत है, गुरु वाला बनाओगे तो स्वागत है। मैं तो यही गल कही, मेरी स्पीच कढ लो, मैं तो ना किसी का नौ तक नहीं लिया। पता नहीं ओ यार तू बड़ा काला ना पै, मैनू ये नहीं समझ आई कि ढिड पीड़ कादी हुई भाई। प्रचारक का माध्यम तो बड़ा चाहिए, की गल हो गई? फिर दूजी गल मैं की कही, मैं संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला साहब ओरिजिनल इको सी, बाकी का डुप्लीकेट बनना मैं फिर नाउ नहीं लिया। हुण डुप्लीकेट नू फिक्र पिया, मैं तो नाउ किसी का नहीं लिया। मेरा एक स्पीच कढ़ लो जो मैं लिया, तू ही हाले भी नौ लई जाने, मैं तो हाले तक नहीं किसी का नौ लै रहा। पता नहीं की फिक्र पै गया एकदम ही, भाई मजीठिया ने तो कह ही कुछ नहीं। तीजी गल मैं की,
कि गुरु साहब ने सरबत दे भले की गल की थी। और बस लैन दो पंजाब नू स्टिकर नाल चेपिया नाल किसी ने वारिस नहीं बन जाना। अमृत छकाउणा बहुत चंगी गल है, गुरु वाला बनाउणा बहुत चंगी गल, मगर इन्हां भाई साहब दे आउण तो पहला किसी ने अमृत नहीं छकिया। वह कौन छका गया कि इस तो बाद ही जाग आई है लोगों को। ये जिहड़ा चल रहा ना सिस्टम जो रंगत दिती जा रही है वह खतरनाक है। तुसीं समझदे कि जिद्दां संदीप दे नाल जो भी वापरिया कितना कितने जो भड़काऊ भाषण जो सुनते नौजवानों से कितना कितने वह बुरा असर जरूर पैदा भावे संदीप होवे भावे कोई भी साडा हिंदू भरा सिख भरा सर कोई भी भड़काऊ गल किसी के खिलाफ भी करे फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी एक हद है। देखो मैं तो यह नहीं समझ आता कि मेरी कि गल का दर्द हो गया। मैं तो किसी न जिसकी कोई चंकी गल चंगा कहता, मगर सुभाविक है जिहड़े प्रचारक ने ना एक हुंदा वाकई गुरु की बख्शिश वाला प्रचारक उहदे हत्थ च माला वेखोगे उहदे हत्थ च बंदूक की लोड़ नहीं, वह तो माला नाल दिल जितदा माला फेरे नाल नौ जपे नाल बंदूक दी नूं तो उहदू फिकर है जिन्हें पता नहीं किहड़ा काम विखाउणा। प्रचारक नूं नहीं लोड़ भाई साडे अरगे, हाँ साडे अरगे अखौती नूं भावें लोड़ होवे भाई तुहानूं कदी लोड़ तुसीं तां ओरिजिनल कहिंदे आ जांदे। दुबई तों आ के सुरखियां च ने प्रचारक जिन्हां नूं तुसीं जिक्र कर रहे हां जी, दुबई तों आ के सुरखियां च ने प्रचारक हुण खालसा वीर कढ रहे की मंतव की लग रहा जी? मैनूं नहीं पता जी, जिहड़ी मर्जी जिधर नूं मर्जी कौण कढी जावे पंजाब नूं बस लैण दिओ, मेरा तां इन्ना फायदा। मैं तां सब नूं कह रहा आ जिहड़ा उह किहड़ा डिफा एक होर डिफाल्टर की ना उहदा जिहड़ा गुरदासपुर दा सी बटाले दा खिलाफ सी एक मंदिर की प्रबंधक कमेटी के खिलाफ सी, वह तो आप दे हिंदू भरावां नूं नहीं बख्शदा सी, वह तो बख्शदा ही किसी नूं नहीं सी। मतलब वह आप दे किस्म का बंदा सी। हुण जिहड़ा संसार च नहीं मैं उहदे बारे की कही जाणा जी, उह गल उह गल चैप्टर नूं एंड करो। मैं अज जी इस गल लई इकट्ठे होए आ ना जी, उस गल ते आओ कानून कादे लई बणिआ, लॉ इज वन फॉर ऑल, ये सब लई बराबर है और बराबर दी नजर आना चाहिए। रोडे पिंड च समागम हुंदा उत्थे खालिस्तान जिंदाबाद दे नारे लगदे, फिर क्या जांदा सानू आजादी चाहिए। इहदे नाल इह है कि भी सरकारां चुप ने सब कुछ वेख रहीआं वी, उहदे बावजूद वी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। यार अज दा जिहड़ा मुद्दा ना इह तुसीं मेरे नाल कल्ले पुछ लिओ, तुसीं ना इह सारी गल नूं होर पासे नूं चले जाणा, इहनां नूं फिर इंसाफ नहीं मिलना। इस लई मेरी ना तुहानूं हत्थ जोड़ के बेनती है, जे तुसीं देखो तुहाडी एक रिस्पोंसिबिलिटी है। तुसी जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करके आने तो यह तो नहीं कि मैं जो सिख हाँ तो मेरी कवर नहीं करूँगे, या कोई हिंदू बैठे तो उसकी कवर नहीं करूँगे। जिवें तुसीं पंजाब लई चिंतित रहिंदे हो, मेरी बेनती सुनियो, जिवें तुसीं पंजाब लई चिंतित रहिंदे हो सही खबर अगे रखते हो, पर इस मुद्दे पर भी सही खबर से रहो। और थोड़ी मेरी ये ड्यूटी है वी आर जे आप इस पंजाब के लिए वाकई चिंतित हाँ, इस पंजाब के वारस हाँ, ते फिर थोड़ी मेरी इस ड्यूटी नूं निभाउणा पैणा। मेरा सवाल है कि संदीप दे परिवार दे नाल अकाली दल हुण कानूनी लड़ाई लड़न दे लई खड़ा है? यार तुसीं इह वैसी समझ लो, जिथे कोई गलत काम हो रहा श्रोमणी अकाली दल 100% खड़ा। भाई साहब जे नहीं करूगा तो फिर अगली अज मैं रिक्वेस्ट है, मैं कड़ा कोई मौन वराते हाँ जेड़ा नहीं बोलना, मैं थोनू जा मैं कड़ा किथे यह जे मुल्क चले जाना मैनू नहीं पता। मैं तलवीर सिंह वीडियो विखा रहा को पता, मैं तो उन्होंने वेखे नहीं की ना दसा ही खुल्लड़ पिज्जा वाले हस्बैंड वाइफ की सारी उम्र 30 साल के अंदर अंदर ही जापती है जो मैनू लगता 25 साल टॉय गन है उन्होंने हाथ च
ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਦਗੜ 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 ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਹ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚਾਰ ਆਏ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ 2015 ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਉਹ ਲਿਆਈ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ 2015 ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਫੋਟੋ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 7 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ। ਇੱਕ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦੂਕ ਲੰਮੀ ਨਿਆਣਾ ਛੋਟਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ। ਬਦਲਾਵ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਿ ਟੋਏ ਗਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਊ, ਹੁਣ ਅਸਲੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊ, ਟੋਏ ਗਨ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਊ। ਅਸਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਨਕਲੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਬੰਦੂਕ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਾਵੇਂ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਲੈ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਘਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਕੂਟਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੇਖੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਗਰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮਗਰ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਕਰਨੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਪ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਿਖਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੋਹਰਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਹਾਂਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸ਼ੋਹਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲਟ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰੋਲ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਪਰੋਲ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਆ ਆ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਆ 2 ਸਪਟੈਂਬਰ 25, 2015 ਫੇਸਬੁੱਕ, ਆ ਨਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਣੂ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇ ਤਾ ਪਰਚਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਐਡੀ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਏ ਗਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਹੀ ਹੱਥ ਉੱਚ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲੀ ਵਿਖਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੈਸਾ ਵੀ ਹੋ, ਜੈਸੇ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀ ਰਹਤੇ ਹੈ ਵੈਸੇ ਉਸਕੋ ਰਹਿਣਾ। ਅਬ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਸਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਜੇਲੋਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਹੋਤਾ ਥਾ, ਹਾਂ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਨ ਨੇਤਾਓਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਲੋਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀਆਈਪੀ ਰੂਮ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਥੇ। ਸਿੰਦਰ ਜੈਨ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਨਾ, ਜੇਲ ਮੇ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਉਸਕੇ ਲਈ ਅਲਗ ਸੇ ਇੱਕ ਵੀਆਈਪੀ ਸੂਟ ਹੋਤਾ ਥਾ, ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਵਹਾਂ ਪੇ ਉਸਕੇ ਆ ਰਹਾ, ਯੇ ਸਾਰੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੈਸਾ ਵੀ ਹੋ, ਜੈਸੇ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀ ਰਹਤੇ ਹੈ ਵੈਸੇ ਉਸਕੋ ਰਹਿਣਾ। ਮਗਰ ਜੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਬਾਹਰ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਾਰ ਘਟਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਜੀਠੀਆ ਲਿਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮਾਮਾ ਹੀਰ ਦਿਆ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾ ਛੱਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ 8 ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ, ਬੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਜੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੋ,
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦਰਕਾਸ਼ ਦੁਰਕੂਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀਡੀਓ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ।